वेलकम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल भीनार क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रहलाद लेके आया हूँ आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस। आज देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस फर्स्ट पेपर के लिए। छोटा सा क्लास है, 10 मिनट्स का हम कंप्लीट करेंगे एक सिलेबस, जिसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको अपने सिलेबस से। ओके, क्लियर हो जाइए। स्टार्ट, कॉपी, पेन, जो भी नोट करना है कर लीजिए। वैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कर लेंगे। मैं हर एक जो पॉइंट्स हैं उसको एक ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करूंगा, एक स्लाइड से आपको दिखाया जाएगा। तो इस ब्लैक बोर्ड पे एक स्लाइड दिखेगा, आप उसको कॉपी करते रहिएगा या शॉर्ट स्क्रीन करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट, तो बता दूं, ये चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और क्लास की नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पे स्पेशली ऐसे न्यूज ही नहीं, ऐसे इंट्रोडक्शंस, ऐसे नोटिफिकेशन नहीं बताए जाते, बट इसके साथ साथ मैं आपको पढ़ाता भी हूं, मतलब आपके क्लास भी मिलेंगे। यदि बात करें हम बीएससी थर्ड ईयर का, तो इसका क्लास अधिक से अधिक अपलोड हो चुका है। 50 क्लास मेरे चैनल में पड़े हैं, जाके आप बीएससी थर्ड ईयर का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए जूलॉजी का, वहां पे वीडियो पड़े हुए हैं। तो बॉटनी का सिलेबस मैं जल्द देने वाला हूँ। बॉटनी का सिलेबस जैसे ही आपको रिफर कराऊंगा, उसके 15 मतलब कह लें कि 15 अगस्त से या 15 अगस्त के बाद आपके बॉटनी का लगातार कंटिन्यूटी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स से पूछ रहे थे कि सर मेरा वाला वीडियो कब आएगा, मेरा बॉटनी अपने ही पढ़ाएंगे क्या? ऐसा कोई भी डाउटिंग नहीं है, आपका भी क्लास चलेगा। ओके, तो हम चलते हैं, पढ़ते हैं, देखो आज क्या पढ़ना है। मेरे पास कुछ स्पेशल यहाँ पे नोट्स रखे गए हैं, सिलेबस मैं इस क्लियर करा चुका हूँ स्टूडेंट। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले हम बीएससी थर्ड ईयर की, कि बीएससी थर्ड ईयर की हम यूपी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे और इसके अगल बगल के जो स्टेट हैं वहाँ पे जो बीएससी के लिए अप्लाई या कह ले यूनिफाइड सिलेबस कंप्लीट करा जाता है, उस सिलेबस की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पेपर होता है स्टूडेंट, वो 75 मार्क्स का होगा। क्या होगा? 75 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 75 मार्क्स के साथ आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे टाइमिंग, और उसके साथ साथ जो हमको यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है, इस पेपर का हमारा टॉपिक है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, तो अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी को 4 छोटे-छोटे यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं, जो इसका फर्स्ट यूनिट आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट यूनिट ये कहता है स्पेशली कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइटोलॉजी की बात करता है। पैरासाइटोलॉजी एक ऐसी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, लाइफ साइकिल पढ़ने हैं, पैथोजेनिक जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ने हैं, डिजीज पढ़ने हैं, कॉसेस पढ़ने हैं, ठीक, और इनका सही तरीके से मेडिसिनल कैसे इफेक्ट होता है वो पढ़ने हैं, और सिम्टम देखने हैं, कंट्रोल देखने हैं। किसके किसके देखने हैं स्टूडेंट? ट्रिपैनोसोमा पढ़ना है, जियार्डिया और स्पेशली बाउचेरिया। तो बाउचेरिया, ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया, ये 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके स्ट्रक्चर्स को कवर करने हैं, जिसके लाइफ साइकिल कवर करने हैं, इनके पैथोजेनिक कैरेक्टर्स को कवर करने हैं, और इनकी स्पेशल क्लोनिंग कैसे होती है उनको कंप्लीट करेंगे, डिजीज कैसे होते हैं, ये केसेस क्या दिखाते हैं, ये सिम्टम क्या दिखाते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करें, सारे चीज़ों को देखेंगे। वो भी कौन कौन से स्पेशल पैरासाइट, चाहे वो एनिमल हो एंड ह्यूमन, क्या इफेक्ट डालते हैं उनके बारे में डिटेल देखा जाएगा। तो ये रहा आपका स्लाइड, इस स्लाइड पे आपको फर्स्ट यूनिट दिखाई दे रहा होगा, तो इस स्लाइड की सहायता से आप फर्स्ट यूनिट को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कर लीजिए, जैसे आपको बाद में फायदा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कर चुके होंगे। हम चलते हैं अगले यूनिट की तरफ, जो हमारा सेकेंड यूनिट आता है, मतलब इकोनॉमिक, हमारा जो अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है उसका जो सेकेंड यूनिट आता है स्टूडेंट, उसका नाम है वेक्टर एंड पेस्ट। तो वेक्टर एंड पेस्ट में क्या देखना है स्टूडेंट्स, कि इसमें सबसे पहले हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे और इनके कंट्रोल की बात करेंगे। कौन कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमको गांधी बग की बात करना है, और शुगर केन या शुगर केन लिफाफर जो है वो रोडेंट हैं। उसके बाद दीमक पढ़ने हैं, मस्कीटो मतलब मच्छर पढ़ने हैं, इनके कंट्रोल को देखना है। तो आपको याद रहे लाइफ साइकिल फिजियोलॉजी, लाइफ साइकिल फिजियोलॉजी कंट्रोल, किसके किसके? गांधी बग, शुगर केन लिफाफर एंड रोडेंट, और आपका जो मस्कीटो है उनके साथ साथ आंट यानी चींटियों को भी देखना है। ये रहा इसका स्पेशली स्लाइड, आप यहाँ से कवर करके आसानी से शॉर्ट डिस्कशन करिए और बाद में इसको रिफर करिएगा। हम एक्सप्लेन इसको कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। ओके स्टूडेंट, नंबर 3 के पास चलते हैं। जो नंबर 3 यूनिट है वो क्या कहता है? एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, ये एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर थर्ड यूनिट का स्पेशली
कैरेक्टर्स हैं, उनमें पढ़ना क्या है, इक्वा कल्चर, हमको फाइसी कल्चर्स, पोएट्री, सेरी कल्चर, एपी कल्चर, लॉग कल्चर। मतलब क्या पढ़ना है, इक्वा कल्चर, ठीक, यहाँ पे हम प्रॉन को पढ़ेंगे, पाइसी मछलियों के बारे में, पोएट्री मुर्गी के बारे में, सेरी मतलब सहतूत आपको जो रेशम्स होते हैं उनके बारे में, और लाख के लाख की बात कर लेंगे, और एपी मतलब मधुमक्खी की बात कर लेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। सारे क्लास का स्पेशली इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, अगले साल का अपलोड है, आप वहां से देखते रहिए। नए क्लास मैं जल्द देने वाला हूँ, हो सकेगा तो आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराया जाए, ऑलमोस्ट फ्री, कोई भी चार्जेज नहीं देने हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा स्पेशली नंबर 3 का स्लाइड, आप यहां से इसको शॉर्ट एक्शन करिए। चलते हैं हम आगे नंबर 4 के पास। नंबर 4 जो इसका यूनिट है वो कहता है वर्ल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जंगली जीवन कैसा है, जंगल के बारे में हमको देखना है इंडिया के अलग अलग पॉइंट्स पे। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे स्पीशीज को पढ़ना है जो काफी डेंजरस पॉइंट्स के नीचे चले आए हैं, ठीक, और उनमें हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सेंचुरियंस हैं, इंपॉर्टेंट सेंचुरियंस के बारे में देखेंगे, नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे कौन जो इंडिया में पाए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट जो लगाए गए हैं अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स को कवर करने के लिए, खासकर हम एनिमल की बात करेंगे, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उनके साथ साथ ऐसा कौन सा प्रिजर्वेशंस के ऐसे कौन कौन से मेथड है जो इंडिया में लगातार काम कर रहे हैं, इनका हिस्ट्री क्या है, और हम बात करेंगे प्रिजर्वेशंस एनिमल के बारे में, कौन कौन से ऐसे प्रिजर्वेशंस एनिमल हैं जिनको हम सही तरीके से सुरक्षित कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और आगे बात करेंगे तो इनसीटू और एक्ससीटू कंजर्वेशंस क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि इनसीटू और एक्ससीटू कंजर्वेशंस क्या कहते हैं इंडिया के बारे में, ठीक। तो ये रहा नंबर 4, ये नंबर रहा 4 का, नंबर 4 यूनिट जो हमारा है, यूनिट 4 का ये रहा स्लाइड्स, आप यहां से कवर करिए इसको, ठीक। तो ये देखो फर्स्ट पेपर था स्टूडेंट, 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला हमको यहां पे पैरासाइटोलॉजी पढ़ना है, स्पेशल डिजीज उत्पन्न करने वाले ट्रिपेनोसोमा जियार्डिया लैमिला, तो जियार्डिया लैमिला, और उसके बाद बाउचेरिया, ये 3 ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं। और नीचे हमारे वेक्टर्स में हमको पढ़ना था क्या, गांधी बग, शुगर केन, लीफ हॉपर, रोडेंट, उसके बाद आंट, मस्कीटोस, ठीक, इनके कंट्रोल और कोऑर्डिनेट की बात करेंगे लाइफ साइकिल को देख के। मैंने बताया भी पहले, आपने सब लगभग सबका शॉर्ट स्क्रीन किया होगा, ठीक। और एनिमल ब्रीडिंग में हमको छोटे छोटे पॉइंट देखने हैं सबको बड़े आसानी से। स्टूडेंट आप चाहोगे तो 2 महीने के अंदर ये आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। सबसे कोई अच्छा पेपर है इस साल का बीएससी थर्ड ईयर का, तो वो है सेकेंड पेपर। मिलते हैं सेकेंड पेपर का सिलेबस लेके, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए, जितना हेल्प हो सकता है आप मेरे से ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे आप आसानी से जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उस पॉइंट्स को कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर आंसर देता हूं, जरूर से जरूर देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।